नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अखंड भारत पर मुगल आक्रांताओं ने लंबे समय तक राज किया और जब तक भारत में रहे यहां के मंदिरों को तोड़ते गए, खजानों को लूटते गए, हिंदुओं को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से भारत में मुगलों को किसी विलेन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अब इसी मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद यानी कि बाबर पर पड़ोसी देश पाकिस्तान फिल्म बनाने जा रहा है। अविभाज्य भारत का हिस्सा रहे जिस पाकिस्तान ने खुद बाबर के आतंक को झेला, अब उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान मिलकर पहले मुगल शासक बाबर पर फिल्म बनाएंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा, ये बेहद रोमांचक है कि हमने अब महान मुगलों में सबसे पहले आने वाले जहीरुद्दीन बाबर पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया है, ताकि दोनों देशों के बीच साझा विरासत के बारे में युवाओं को शिक्षित किया जा सके। इमरान खान ने कहा, बाबर के वंश ने 300 साल तक भारत पर शासन किया था, जब भारत को दुनिया में सबसे अमीर स्थानों में से एक माना जाता था। मुझे लगता है कि उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के युवाओं को उस संबंध के बारे में जानना चाहिए जो दुनिया के इस हिस्से और दुनिया के हमारे हिस्से के बीच सैकड़ों वर्षों तक रहा है। मुझे लगता है ये फिल्म और मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, इमाम बुखारी पर बनी ऐसी ही फिल्में दोनों क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ेंगी। पाकिस्तानी पीएम ने कहा, हमें इस बात की उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच ये एक मजबूत सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत होगी। जैसे जैसे हमारे देश करीब आएंगे, मैं उज्बेकिस्तान के लोगों के लिए क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करूंगा। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भी इमरान खान की बात का समर्थन किया और दोनों देश के युवाओं के लिए उस संस्कृति को जानना जरूरी बताया जो बाबर के समय से जुड़ी है। उन्होंने कहा, देश के बहुत कम युवाओं को ही पता है कि इस्लामाबाद में वो मस्जिदें, मकबरे और स्कूल हैं जो उस देश के पूर्वजों ने बनाए थे। हम ये कह सकते हैं कि ये बस एक शुरुआत है। मैं उन जगहों को देखने हेतु पाकिस्तान जाने के लिए उत्सुक हूं जहां हमारे पूर्वजों की निशानी है। आपको बता दें, मुगल आक्रांता बाबर का जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। ये तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। 1504 में काबुल और 1507 में कंधार जीतने के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1519 से 1526 तक भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घग्गर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। कहा जाता है कि बाबर अपने बेटे हुमायूं के बीमार पड़ने पर अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने और उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो 1530 में 48 साल की उम्र में मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया, जिसके 9 साल बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में दफनाया गया।